कर्म और धर्म इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आपने कह दिया कर्म, आपने कह दिया धर्म। कहने से कुछ नहीं होता, हर चीज को सिद्ध करना होता। आइए मैं सिद्ध करके बताऊं कि कर्म और धर्म में क्या अंतर है और दोनों में श्रेष्ठ क्या है। तो सुनिए फिर आप भी बताइए, कर्म और धर्म में दोनों में कौन श्रेष्ठ है? कर्म और धर्म में क्या श्रेष्ठ है? धर्म। अब इसे मैं प्रूव करता हूं, कैसे सुनो। कर्म क्या है? इस धरती पर जो भी हम कर रहे हैं, यहां तक कि आंखों की पलक झपक रही है तो वो अपना कर्म हो रहा है। मैं बोल रहा हूं ये भी कर्म है, आप बैठे सुन रहे हैं ये भी कर्म है, आप यहां खुजला रहे हैं ये भी एक कर्म हो रहा है। कुछ भी आप कर रहे हैं वो क्या है? हर क्रिया कर्म होती है। कर्म और धर्म, इस धरती पर जो हम कर रहे हैं सब कुछ क्या है? कर्म। अच्छा ये बताओ, कोई शराब पी रहा है तो वो क्या कर रहा है? से मैया सुनने में ध्यान दो, वहां क्या ध्यान दो? कोई शराब पी रहा है वो अपना क्या कर रहा है? जोर से बोलो, वो अपना कर्म कर रहा है। कोई दूध पी रहा है वो अपना क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। कोई झगड़ा कर रहा है वो अपना क्या कर रहा? झगड़ा करना भी कर्म है, शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, माँ की आरती उतारना भी कर्म है और माँ को गालियां देना भी कर्म ही है। परंतु अब हमारा धर्म जो है वो क्या काम करता है, सुनिएगा। धर्म जो है वो ये बताएगा कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। जैसे आपके घर में जब आप रोटी बनाती हो तो आटे को पहले चलनी से चाल लेती हो। आटे को चलनी से चालना क्यों पड़ता है? ताकि उसका अच्छा आटा अलग हो जाए, उसका चोकर चापर अलग हो जाए, गंदगी अलग हो जाए, सही है? तो जो भी हो रहा है सब कुछ कर्म है। चलनी जो है वो अच्छे आटे को अलग, बुरे आटे को अलग करती है। उसी प्रकार धर्म एक चलनी है, धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म एक बुरा कर्म। माँ की आरती उतारो ये कर्म तो करना है, पर माँ को गाली देने का कर्म नहीं करना। दूध पीने का कर्म तो करना है, पर शराब पीने का कर्म, कौन सा कर्म करने योग्य है? भाई आज कोई मुर्गी को मार रहा है और मुर्गी को पका के खा रहा है तो वो भी तो अपना कर्म कर रहा है, परंतु उसे धर्म का ज्ञान ना होने से वो मुर्गी मार रहा है, कर्म तो कर रहा है पर वह कर्म उसे पाप देने वाला। कर्म हमें दो चीज देते हैं, अच्छा कर्म हमें पुण्य देगा और बुरा कर्म हमें पाप देगा। कर्म सबको ही कर रहा है, आप अच्छा कर्म करेंगे तो उससे पुण्य आएगा, बुरा कर्म करेंगे मुर्गी खाएंगे उससे पाप आएगा। कर्म तो हो रहा, क्योंकि आपको किसका ज्ञान नहीं है? धर्म का ज्ञान ना होने से आदमी कर्म तो करता है पर वह कर्म भी कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है सदा वही कर्म करना चाहिए जो कर्म करने योग्य है, पर कर्म को पहले धर्म की कसौटी में कस लेना चाहिए कि ये कर्म ठीक है या नहीं है, करने योग्य है या नहीं। कर्म तो सब ही है, मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं ये भी एक कर्म होगा, पर मैं आपको सम्मान से यहाँ बिठा दूं ये भी एक कर्म होगा। कौन सा मुझे करना है कौन सा नहीं ये कौन बताएगा? बोलो मेरी माँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किसका ज्ञान होना चाहिए? जोर से धर्म का। यदि आप धर्म का ज्ञान रखते हैं तो आप जो भी कर्म करेंगे ठीक करेंगे। यदि आपको धर्म का नॉलेज नहीं है तो आप गलत कर्म कर सकते हैं, संभावना है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। जैसे एक पत्नी अपने पति को छोड़कर पराए पुरुष से संबंध रखे तो ये क्या है? वो अपना कर्म कर रही है, परंतु यदि उसे धर्म का ज्ञान होता तो ये हरकत वो कदापि ना करती,
धर्म बताता है कि पति परमेश्वर है, इसलिए अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखना पाप है। यदि धर्म का ज्ञान होता तो अपने आप वो पाप से बच जाती। पाप से नहीं बची, क्यों? क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं था। इसलिए आप अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान देना। मेरी माँ, धर्म के बिना इंसान पशु के समान है। पुत्र का धर्म है अपने माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करना। पत्नी का धर्म है कि अपने पति को भगवान मानकर सेवा करना। दुकानदार का धर्म है ग्राहक को भगवान मानकर उसकी सेवा पूर्ति करना। हम सभी एक धर्म की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। क्या कहेगा धर्म वो करेंगे हम। धर्म कहता है दूध पीना है बेटा, दूध पियेंगे। धर्म कहता है शराब नहीं पीना। आप मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे और कहेंगे कि 1 गिलास शराब पी लीजिए, तो मैं 10 करोड़ क्या, पूरी सृष्टि की दौलत लाकर कदमों में रख देंगे, तो भी मैं अपने धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। सभी को जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि महाराज ने इन दो शब्दों के अर्थ को कितने अच्छे से हमें समझाया, एक धर्म और दूसरा कर्म। शायद हमें इन दोनों का अर्थ नहीं पता था, लेकिन महाराज ने इन दोनों का जो है अर्थ हमें बहुत ही आसानी से समझा दिया। अब हम शायद कभी इनका अर्थ ना भूलें। तो दोस्तों यह बात सत्य है कि जैसे एक छलनी बुरे आटे को बाहर फेंक देती है और अच्छे आटे को अंदर कर लेती है, उसी प्रकार हमारा धर्म है जो हमें बताता है कि अच्छे आदतों को, अच्छे कामों को आपके अंदर रखना है और बुरे कामों को बाहर फेंकना है। दोस्तों हमारा धर्म भी एक छलनी की तरह है और हमारा धर्म ही हमें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं। दोस्तों महाराज जी एक बात यह भी कहते हैं कि पुराने जमाने में अगर कहीं 10 लाख रुपए पड़े हुए मिल जाते किसी को तो वह नहीं उठाते थे, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान था। उठाने से पहले वह बोलता था कि नहीं जी, यह पैसे मेरे नहीं है, उठाऊंगा तो पाप लगेगा। लेकिन अब के समय में लोग धर्म का ज्ञान ना होने के कारण पेट भरने के लिए कुछ भी कर देते हैं, चोरी डकैती कुछ भी। तो दोस्तों इसीलिए महाराज जी जो है हिंदू धर्म में धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हिंदू धर्म में हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।